हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ। बाबू की याद में जूस पी लूं। कट्टा है, पक्का कहीं और चला गया होगा। पक्का गुल छड़े उड़ाने गया होगा कहीं। बचपन से है ही वो लफंगा, लेकिन मेरा बाबू है। चलो ड्राइवर भैया, कहीं और चलते बाबू को ढूंढने। बाबू पुराने घर की बिल्डिंग में गया होगा जहाँ हम पहली बार मिले थे। ओए जिमिना, ये जगह याद है? यहाँ पर हम सब गुल्फी खाया करते थे। इसी जगह पे एक दिन मैं आइसक्रीम खा रहा था और जंकूक आ गया और मेरे को कहता, भैया आज के दिन डाले हो दे दो। मैं तो तभी मैंने जेब में आइसक्रीम डाली, हाय ठंडी ठंडी लग रही थी, और मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं खा रहा हूँ, भाग यहाँ से पिट लूँ। और जैसे ही कुकी गया मैंने आइसक्रीम निकाली और खाने लग गया साफ करके। नामजुन भाई, जीनू और तेगुआ होटल में खाना खाने गए हैं, हम भी चले। उनकी बात छोड़, तू मेरी बात सुन। पता है इस जगह पे मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, एक गाड़ी आई और ठोक के चली गई मेरे को, गाड़ी उड़ गई। आयरन मैन की बॉडी है मेरी। बेटा एक चम्मच तुम लो, एक मैं लेता हूँ, बाकी घर लेके जाएंगे। बोलो बेटा क्या खाओगे? शर्माओ मत, बोलो। अब बोल भी दे, बहरे बोल। तेरी जो मर्जी है खिला दे, मेरा मन तो तेरे को चार चांटे खिलाने का कर रहा है। खाएगा तू? 4 लाख खाएगा? नहीं नहीं, वो टेस्टी नहीं होता है। अरे होता है टेस्टी, तू खा के देख, जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा। अब मैंने खा रखा है। कहाँ पे पड़ी? लॉकडाउन में पिछवाड़े पर लट पड़े भाई, रात में कैमरा मैन था टुन्नू, उसके वो पड़ी भैया। मतलब इन सबके पिछवाड़े सूज गए थे? और नहीं क्या, तू पूछ ले, सूज सूज का तकिया बन गए थे। शर्म कर यार, ऐसे प्राइवेट बात किसी को नहीं पता। अच्छा चल ठीक है, मैं सुन डालू इंडिया मोबाइल वाइड। थोड़ी तारीफ में तेरी भी कर देता हूँ। करो, तू सुंदर है लेकिन मुझसे कम। लट्ठ वाली बात सबको बता दूंगा मैं, तारीफ कर। अरे तुम जैसा हैंडसम सुंदर कैमरे के सामने बोल। हाँ हैंडसम आदमी कोई देखा नहीं है, वैसे तेरा कुकी कहाँ गया? अरे तू अपने कुकी को सिग्नल भेज, वो आएगा। ठीक है मैं भेजता हूँ। कुकी तू कहाँ है, आ जा जल्दी। भेज दिया। तुझे भुला दिया, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे। मेरा बाबू पता नहीं किधर होगा, खाना भी नहीं खाया होगा उसने, मेरे बिना तो खाना खाता ही नहीं है वो। जल्दी ढूंढना पड़ेगा उसे, मेरे बाबू। और क्या प्यारी सी लड़की जा रही है, कैमरा नहीं आता तो नंबर देख के आता। इधर भी है क्या कोई? और ड्राइवर तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी? नहीं सर, 6 गर्लफ्रेंड है मेरी। अच्छा अच्छा, बस हमारी किस्मत फूटी हुई है। सारी लड़की तो तूने पटा ली, थोड़ी हमारे लिए भी छोड़ देता। मैं और तेगो यहाँ पे गिली डंडा खेला करते थे और लड़कियाँ हमें देख के हंसती थी। हमें लगा कि लड़कियाँ पागल हैं, लेकिन लड़कियाँ पागल नहीं है, हम नंगे खड़े रहते थे यहाँ पे। खाना देने के लिए थम्सअप था। डालो डालो, फ्री की चीजें छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे मिर्ची ही क्यों ना हो। अब आएगा मजा। ले कैमरामैन तू भी खा ले, सुबह से भूखा होगा बेचारा। थैंक यू सब जी। डांडी बच्चे तो आप किसी को खिलाते नहीं, आज क्यों खिलाया मुझे? मैं तो चेक कर रहा था इसमें जहर तो नहीं है ना। क्या जहर? हाँ तू जिंदा है ना, मैं खा सकता हूँ। ये भी खाएगा क्या? नबुन नबुन नबुन। बहन जी हम सुंदर लड़के हैं, हमारी चुम्मियाँ ले लेना, हम पैसा लेके करोगी क्या? जिमिन तेरे को पता है बचपन में हम इस पार्क में खेला करते थे, मैं छोटा हुआ करता था और तू इतना ही हुआ करता था। एक बार तू इस पे चढ़ के खेल रहा था, फिर गिर गया, तेरे दांत टूट गए, फिर बतख के दांत लगाए हमने तेरे, तभी इतना बकर बकर करता है तू। मजा आ रहा है। मिशा जंजू लाचू लू भी बाधा के चे भूलू। पता है तुझे, जब आप स्कूल से छुट्टी मार के घर नहीं जाते थे और यहाँ पे आके बैठ जाते थे, फिर आती थी हमारी मम्मी और चप्पल लेके देख दनादन लिटा लिटा के पीटती थी हमको, और फिर पापा को शिकायत करती थी और पापा अलग सूटते थे हमको फेंक फेंक के घर पे। अरे
मैंने बहुत झूला झूल लिया। चलो अब किसी को ढूंढने चलते हैं। ये जो ब्लॉगर कम टू मैक्स। ए गाड़ी का दरवाजा लगा पहले। अच्छा ठीक है सर। यार यहाँ पर भी कोई नहीं आया। सर आए थे चले गए। आपके लिए कुछ लिखा है वो देखो। किधर? तो देखो कितनी गंदी राइटिंग है। लिखा है तुम हमें ढूंढते रहो हम नहीं मिलेंगे। ऐसी बात है क्या? मैं तो उन्हें ढूंढ के रहूंगा चाहे कितने भी पापड़ क्यों ना बेलना पड़े। ए अभी तक नहीं आया कोई यार। एक घंटा हो चुका है। सिग्नल भेज देता हूँ। लाओ 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 सब कुछ खा जाऊंगा मैं। मेरे को शरीफ मत समझना। पेटू मैं पेटू। पेटलू बिल भी दे दे। कितना देना बोल अभी देता हूँ। भैया कितना बिल देना है? 2 लाख का जी दीजिए। 2 लाख तेरा बाप छोड़ के गया था बे। आलू टेरा है या लोग? 2 लाख खाएंगे सुधर जाएंगे। सर जी बाहर देखिए आपका बाबू मिल गया। किधर है मेरे बाबू? सर जी आंखें फाड़ के देखो सामने है आपका बाबू। इसका दिल है कि गूगल मैप। पता नहीं बाकी ये लोग कहाँ रह गए। ये जो गली में पिंकी रहती थी चलो उसकी शादी हो गई। शादी? अभी तो उसे 35 साल की थी। बालिका बंधु हो गया उसके साथ तो। शुगा शुगा शुगा। ये आवाज तो लड़कियों की लग रही है। शुगा शुगा बोल रही है। हे मेरे प्यार में पागल है सबकी सब। लेकिन मैं मजबूर हूँ जा नहीं सकता ना। भीड़ लग जाएगी लड़कियों की। लड़कियों चिंता मत करो अगले जन्म में मिलूंगा तुम्हें। मैं जी होप तुम्हारा प्यारा दोस्त यहाँ पे आया था लड़की ढूंढते ढूंढते। चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं फिर कहीं और चलेंगे लड़की ढूंढते ढूंढते। यार एक घंटा हो गया पता नहीं सब कहाँ मर गए साले कमीने। और तुम्हें पता है आजकल मेरी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। चल झूठे। अरे झूठ नहीं बोलना। बहुत सारी कॉम्प्लेन की बोतलें पी है इसने। सच बोलना सारे कपड़े भी छोटे हो गए हैं मेरे को। उसे मोटा होना बोलते हैं लंबा नहीं। छन से जो टूटे कोई सपना। कुकी तुम्हारी याद में मैंने पानी तक नहीं पिया। सच्ची बाबू? हाँ हाँ पानी नहीं सीधा खाना ठूसा है इसने। छन से जो टूटे कोई सपना। कुकी सिर्फ थोड़ा सा खाना खाया था मैंने। लगता गुस्सा हो गया। सिर्फ 2 प्लेट। कैसे मनाऊं मेरी कुकी को? बेचारा टूट गया है। गया तेरा कुकी रोक ले उसको। एक बार पलट और स्माइल करो कुकी। पलट पलट नहीं पलटा। ले लटेंग आ गया वो। तो मैं क्या करूँ जाने दो उसको। अरे लड़ाई मत करो यार कहीं और चलते हैं चलो। बहुत नखरे हो गए हैं इसके। अच्छा हुआ लड़ाई हो गई। बाबू शन नामो ना करके सर दर्द कर देते हैं ये दोनों। कब आएंगे सब? अभी 5 लड़कियां अंदर गई है सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी। मेरा भी मन कर रहा है मैं जाऊँ क्या? नहीं सर। अरे यार तूने सुना ना यार चिल्ला रही है लड़कियां हॉबी हॉबी बन जाओ मेरे हॉबी। हाँ नहीं सर। कितनी देर लगा दी गाड़ी चलाने में। दाढ़ी भी आ गई मेरी छोटी छोटी। ये हॉबी की गाड़ी है ना पक्का उसका चलान कटा होगा आगे। ससुरा हेलमेट ही नहीं पहनता है। मजा आएगा पुलिस उसको मारेगी। सर शर्ट तो लगा लो शुगा की गाड़ी आ रही है। ठीक है 300 की शर्ट तो लगा ले। शुगा नहीं होगा देखियो। हॉबी को पुलिस डंडे मारेगी तेल लगा के। मैं मजे लूंगा। लगता है मैं शर्त जीतने वाला हूँ। ये जल्दी खड़ो यार हॉबी को पिटते हुए देखना है मुझे। खुल जा खुल जा। मेरे नाखून खुल गया। मेरे दोस्त कैसा है तू? बहुत बुरा हूँ मैं जाले तेरे से 300 रुपए हार गया। तू बाहर आ खिड़की में जाएगा क्या? प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं क्या अंदर? हाँ आवाजें आ रही है। नहीं तेरी भाभी है अंदर थरकी बिल्ला। लाला 300 रुपए डुबा दिया मेरे। सर जी मेरे 300 रुपए दो दो ना। हाँ तो किसी को कुछ दिया है हमने? अरे सब मेंबर ऊपर है क्या? हाँ जाओ क्या ऊपर है? अब ऊपर कोई नहीं है ये लिख के गए हैं। तुम ढूंढते रहो हम भी मिलेंगे। अरे मिलेगा तो उसका बाप भी। मेरा नाम है शुगा दयुंगी। आज की ताजा खबर टेकुक में हो चुकी है लड़ाई। लेकिन मैं इन दोनों को वापस मिला के रहूंगा। कोई जरूरत नहीं मिलाने बुलाने की। मुझे नहीं करनी इस कुकी पुकी से बात। सड़ू वहीं का
ये लीजिए जीनू जी और पीजिए, पैसा मिला है प्रमोशन करेंगे भले बेकार क्यों ना हो। आप ही के देखता हूँ। खट्टा रे, मुंह सड़ा दिया मेरा तो। अरे बहुत अच्छा है जी, 50 लाख मिले हैं तो अब बोलूंगा ही। मैं फिर से पी लेता हूँ। आप भी पी और अपना मुंह सड़ाइए, जाइए जाइए। कैसा लगा जूस? पैसे मिले हैं, गंदा कैसे बोल सकते हैं? सही बात है, पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता है। मेरे को एक बार कहते दारू पी लो, मैंने कहा ना पैसे के लिए मैं ये सब नहीं करता हूँ, फ्री में भी कर दूंगा मैं, दे दो मेरे को सारा दारू, दे दिया उन्होंने। ये गाना है मेरी चाहने वालियों के लिए, मुझसे शादी करोगी टीनी नी नी नी, मेरी दुल्हनिया बनोगी टीनी नी नी नी। जीनू कुछ लड़कियां बोल रही थी मैं 20 से ज्यादा सुंदर हूँ। वो लड़की आंधी होगी वे। जीनू से बेइज्जती कराने से अच्छा मैं फोन में गेम खेल लूं, कैंडी क्रश कैंडी क्रश। नामजुन क्या खेल रहा है तू? अभी पटाता हूँ इसको। और हैंडसम लौंडा, गबरू जवान, क्यूट मुंडे, क्या चल रहा है बोल? ऐसे तारीफ किया कर, अच्छा लगता है मेरे को। बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को बाबू पे। मैं तो फालतू में चिंता कर रहा था कि बाबू ने खाना नहीं खाया होगा, मेरी याद में सूख के पतला हो गया होगा, लेकिन वो तो ठूस के बैठा था। जल्दी चलो, हम पहुँच गए। जिमी तू तेवो के साथ मत घुमा कर, मैं तो घूमूंगा और तेरी दोस्ती फिर से कराऊंगा। आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, क्यों देख। चल अब जल्दी से तेवो से दोस्ती कर ले। हाँ यार एक लफड़ा हो गया यार, मेरा पेंट का नाड़ा गुम हो गया और पेंट पकड़ के चलना पड़ रहा है ससुरी। नामजुन भाई आइसक्रीम खिला दो, मेरे पास पैसे नहीं है। एक ही आइसक्रीम खिला दो। मेरे पास बटुआ ही नहीं है। क्या नामजुन भाई धड़ाधड़ झूठ बोल रहे हो, आज होटल में खाने का बिल आप ही ने तो दिया था। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। झूठा कहीं का? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे भी आइसक्रीम खानी नामजुन भाई, वो भी दो दो खिला दो। सारे भूखे नंगे मेरे को ही मिलते हैं, पैसा नहीं है मेरे पास, बोलना ना। कैमरामैन वाले भैया आप खिला दो। बेटा हम गरीब हैं।